UMC यानी यूनिक मेंटरशिप क्लासेस पे और हम सब जानने वाले हैं यहाँ पे आज आज का टॉपिक है स्पीच। स्पीच क्या है? स्पीच सेंटेंस है। सेंटेंस कोई भी सेंटेंस वो स्पीच ही होता है। कोई भी सेंटेंस देख सकते हैं, आई एम अ गर्ल, ये सेंटेंस है तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलकर के बना हुआ है। कैसे वो देखते हैं। स्पीच हो गया, मैंने बताया सेंटेंस होता है वो स्पीच होता है। स्पीच के टू टाइप्स होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पीच, फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेकंड फिगर ऑफ स्पीच। अब यहाँ मैं आपको स्पीच दिखाती हूँ। स्पीच एज्यूम, मुझे स्पीच एज्यूम कर लो, मैं अगर स्पीच हूँ या मैं कहती हूँ मैं सेंटेंस हूँ या मैं स्पीच हूँ, तो मेरे टू टाइप्स हैं। टू टाइप्स कैसे? मेरे फिगर, मेरा अपीयरेंस, वो हो गया फिगर ऑफ स्पीच। मेरे जैसे बॉडी पार्ट्स हैं, हर एक इंसान के बॉडी पार्ट्स होते हैं ये तो पता है ना, तो फिर मेरे भी बॉडी पार्ट्स हैं, उसी तरीके से स्पीच के भी पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच के पार्ट्स होते हैं, फिगर होते हैं। देयर आर एट टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। नंबर वन नाउन, नंबर टू प्रोनाउन, थर्ड वर्ब, फोर्थ एडवर्ब, फिफ्थ एडजेक्टिव, सिक्स्थ प्रीपोजिशन, सेवन्थ कंजक्शन, एट्थ इंटरजेक्शन। मतलब कि ये सीढ़ी यहाँ से शुरू होकर के यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। सीढ़ी सही बोला मैंने? होगा सही यार। अरे मतलब यहाँ से शुरू होकर के यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, मतलब नाउन से शुरू होता है तो इंटरजेक्शन तक जाता है, ये याद करना पड़ेगा। अब ये भी मैं बताऊँ कैसे? नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब एडजेक्टिव प्रीपोजिशन कंजक्शन इंटरजेक्शन, आठ ही नाम तो है यार, याद कर लेना। आगे की बात देखते हैं। अब एक सेंटेंस लिखती हूँ और बताती हूँ कैसे वहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे यूज किया जाता है। लिख देते हैं, आई एम अ गुड, कुछ ज़्यादा ही हो गई है, गुड गर्ल, आई एम अ गुड गर्ल, या आई एम, बट लोगों को डाउट होता है, इट्स ओके, लोगों की क्या सोचना है हमें। वैसे तो कैन यू बी माई बैड गर्ल वाला सॉन्ग आपने सुना होगा, यहाँ पे बैड गर्ल नहीं है, गुड गर्ल है, हम लोग गुड गर्ल हैं ना, इसलिए। अब यहाँ पे आई हमारा है प्रोनाउन, प्रोनाउन आई हो गया। एम हेल्पिंग वर्ब की तरह यहाँ पे यूज किया गया है, हेल्पिंग वर्ब। राइटिंग थोड़ी ज़्यादा बुरी है, इग्नोर करना। ए एंड द आर्टिकल की तरह यूज़ किया गया है, ए एंड द ये आर्टिकल्स होते हैं और ये सेंटेंसेस में यूज़ किए जाते हैं। कहाँ यूज़ किए जाते हैं, कैसे यूज़ किए जाते हैं, ये सब बाद में पढ़ेंगे हम लोग आर्टिकल में। अभी ये जानते हैं कि यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ किया गया है। गुड ये एडजेक्टिव है हमारा, और ये गर्ल ये दोबारा आ गया प्रोनाउन, भैया दो दो बार आ गए, इनका बहुत ज़्यादा चलता है ना, इसलिए यहाँ पे भी प्रोनाउन, यहाँ पे भी प्रोनाउन, यहाँ पे बना हुआ है जिसमें कि प्रोनाउन आया है, हेल्पिंग वर्ब आर्टिकल एडजेक्टिव प्रोनाउन, तो ये है एक सेंटेंस बना है। दिस इज द क्लास टुडे, ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।